नमस्कार, हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया. वेलकम बैक टू अवर चैनल डिवाइन स्पेक. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, सो प्लीज डू दैट. मॉर्निंग में आने वाले 8 AM वीडियो अपलोड्स एंड विद दैट लॉट ऑफ नॉलेज शेयरिंग इज गोइंग ऑन इन दिस चैनल, जो आपके लिए भी फ्रूटफुल हो सकती है और होगी ही. तो इसीलिए उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो डू दैट. And today we are going to talk about the most important body, which is sun, our own sun, Suryadev. तो हम सब जानते हैं, वैसे तो सभी ग्रह हमारे को बहुत different types के results देते हैं, impact करते हैं हमारी life पे, effect करते हैं, जैसी उनकी quality होती है उसके according. But जो सूर्यदेव हैं वो सबसे ज़्यादा important इस सृष्टि, इस संसार, इस universe के लिए हैं, ये हम सब जानते हैं. ठीक है, जब हम देखते हैं कि सन राइज हो रहा है तो डे हो जाता है, मॉर्निंग हो जाता है, और सनसेट होता है तो नाइट हो जाती है. टाइम तो चलता रहता है, लेकिन अगर सन राइज नहीं हो तो वो ट्रांजिशन हम नहीं देख पाएंगे, वो जो एक नया दिन है वो हम नहीं देख पाएंगे, राइट. तो सूर्य का जो है बहुत बहुत एक अहम हमारे जीवन में भूमिका है. आप देखेंगे एक पौधा है छोटा सा, आप उसको खाद दीजिए, मिट्टी दीजिए, पानी दीजिए, आप उसको अच्छी इंटेंशंस दीजिए, लेकिन यदि आप उसको सनलाइट नहीं देते हैं, उसको कहीं कॉर्नर में रखा हुआ है डार्क में, तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा. सो इसीलिए सन रे, सनलाइट, सन का होना, सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है. जिस तरीके से वो चमकता है, हम भी चाहते हैं कि हम सब भी अपने जीवन में उसी तरह, उसी तेज के साथ चमकें. ठीक है, सो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि जो हमारे बर्थ चार्ट में जब भी सन के साथ कोई प्लैनेट आता है, यानी किसी एक हाउस में, तो उसकी क्या उस टाइम पे रिजल्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में. यदि आपके किसी बर्थ चार्ट में, D1 बर्थ चार्ट में ऑलरेडी सन जो है वो किसी प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, तब भी उस टाइप के इम्पैक्ट्स होंगे. और अगर किसी टाइम पीरियड में ऐसा होता है, ट्रांजिशन के टाइम पे कोई प्लैनेट चलते चलते आके सन के साथ कंजंक्ट हो जाते हैं, तब भी ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं. तो क्या योग बनते हैं उस टाइम पे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और चंद्र, यानी सन एंड मून, जब वो एक साथ एक किसी हाउस में कंजंक्ट हो जाते हैं, युति होती है उनकी, तो बनता है अमावस्या का योग. ठीक है, अमावस्या हम सब अच्छे से जानते हैं. उसके बाद सूर्य और मंगल की युति जब होती है तो बनता है शौर्य योग, यानी कि बहुत पराक्रम जरूर करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो शौर्य मिलता है वो एक अलग ही होता है. तो जब भी ये पीरियड आएगा, कंजंक्शन होगा, तो आप इसकी, इसको आप फील कर सकते हैं. ओके, सूर्य और बुध की युति जब होती है तो बुधादिक योग बनता है, यानी बुद्धि जो है वो और ज्यादा आपकी अधिक हो जाती है. और आप ये देखेंगे कि उस टाइम पे कोई कोर्सेस, कोई स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाना, या फिर कुछ ऐसा जो कि इंटेलेक्ट से रिलेट करता है वो आप करेंगे. अगर आपका बिजनेस उससे रिलेट करता है, उसमें एक्सपेंशंस या उसमें आपका और ज़्यादा दिमाग चलेगा, तो इस टाइप का जो आपका एटीट्यूड है वो हो जाएगा. ऐसा इम्पैक्ट सूर्य और बुध की युति का होता है आपके जीवन पे. उसके बाद सूर्य और गुरु की जब युति होती है तो राज लक्षणा योग बनता है. ओके, एंड सूर्य और शुक्र की युति, यानी सन एंड वेनस, तो वैभव योग बनता है. जितना भी कंफर्ट, लग्जरी, जितना ये सब चीज़ों की आपकी डिज़ायर है वो समय पूरी होती है. सूर्य और शनि के युति में बनता है संघर्ष योग. संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, स्ट्रगल बहुत होती है उस टाइम पे. पर स्ट्रगल आप करते हैं तो आप देखते हैं कि जो उसके बाद रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आप समझते हैं कि ये जो मैंने किया, जो मैंने संघर्ष किया, ये फ्रूटफुल हुआ. ओके, सूर्य और राहु या सूर्य और केतु, दोनों में से कोई भी युति होगी तो बनेगा सूर्य ग्रहण योग. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, यदि देखिए सूर्य और मंगल की युति हो रही है और आपको लगता है कि मंगल को भी मजबूत करना है, तो उसके लिए आप मंगलवार को हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी पूजा करें, तो भी ये और ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा. क्योंकि पराक्रम करना बहुत ज़रूरी है उस समय, पर ज़्यादा आपको करके और लगे कि मेरे रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये ज़रूर फॉलो कर सकते हैं.
विद दिस, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सूर्य को स्ट्रांग करूं और जो मैं कर रहा हूं, जो भी प्रोफेशन में हूं, उसमें नेम फेम और लोगों से वाहवाही मेरे को मिले, तो उसके लिए आपको सन स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी टिप बताने जा रही हूँ, रेमेडी है ये। आप क्या करेंगे, किसी भी संडे को जाकर एक कॉपर का सन खरीद के लाएं, तांबे का, और उसको अपने मंदिर में रख दीजिए, घर के मंदिर में, और नेक्स्ट संडे तक यानी नेक्स्ट 7 days तक डेली मॉर्निंग में उठ के ओम सूर्याय नमः का 7 बार चैंटिंग करते समय उनको जल का छींटा देना है, जल का तिलक लगाना है। इस तरह से वो अभिमंत्रित हो जाएंगे यानी एनर्जाइज हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। अब जो कमिंग संडे आएगा उस दिन आप अपने घर की ईस्ट वॉल पे यानी पूर्व वाली दीवार पर उनको आप हैंग कर देंगे उस तांबे के सूर्य को। और ये जो क्रिया है ये आपको 11 बजे सुबह 11 बजे से पहले पहले कर लेनी है। और कहाँ पे लगाना है उसको, 7 feet ऊपर दीवार पर उसको आप हैंग कर देंगे। सो आप देखेंगे कि जो आपने इंटेंशंस डाली हैं, जो आप एक्चुअली चाहते हैं, वो सब कितनी जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो जब इंटेंशंस हम ऐसी रखते हैं और ये सब चीज़ें छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं, सो हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस है, वो उसी टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना शुरू कर देता है, स्कैन करना शुरू कर देता है। सो इसीलिए स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट फॉलोइंग दीज थिंग्स एंड यू विल सी कितनी जल्दी आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं एंड यू विल बी सो हैप्पी। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।